क्या किया बे, क्या किया हमारे साथ बोल। तब हिम्मत नहीं थी बात करने की, हम लोग यंग थे, हमारे पापा गुजरे थे, तब हिम्मत नहीं थी, आज हिम्मत पैदा हुई। चल निकल अपना प्राइवेट पार्ट निकल। जोर का झटका लगा जब पता चला कि बिग बॉस के मेकर्स ने साजिद खान को अपने घर पर आमंत्रित किया। ये उम्मीद नहीं थी बिग बॉस से, बिल्कुल नहीं थी, खास तौर पर सलमान खान सर से ये उम्मीद नहीं थी। उनकी आपके बारे में बात करूं तो आपके साथ भी कुछ हुआ था, लाइक क्या कुछ बताना चाहोगे थोड़ा उसके बारे में, कब हुआ था और पूरा इंसिडेंट क्या था, तो शॉर्ट में आपको सम अप करना होगा। जी एक्चुअली 2005 में मेरे पापा ऑफ हो गए थे, अप्रैल का महीना था, उन्हीं दिनों में साजिद खान ने मुझको बुलाया अपने घर पर एक स्टोरी नरेशन के बहाने। तब मुझे नहीं मालूम था कि साजिद खान असल में कितना गलीज़ है, कितना घटिया है, ये सब नहीं मालूम था। तो ये सोचकर मैं गई कि बंदा जो है वो फराह खान का भाई है, फिल्म मेकर है, बड़ी फिल्में बनाता, चलो इसके साथ काम करते हैं, जुड़ते हैं, बॉलीवुड में कुछ बड़ा करते हैं, बड़ी हीरोइन बनते हैं, ये सपने देखकर मैं गई वहाँ पर। और स्टोरी नरेशन के दौरान बंदा जो है वो अचानक अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता, बोलता कि डू यू वॉन्ट टू टच इट, फील इट, अच्छा 10 में से कितने नंबर दोगे। मैं परेशान, मैंने बोला अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने पापा को खोया, आप क्या कर रहे हैं, ये क्या है, कोई मजाक है क्या, कोई प्रैंक कर रहे हैं आप मेरे साथ। तो नहीं 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 प्लीज़ टच इट ना, फील इट ना, कैन यू रेट इट, ये रेटेड 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 क्या तो भी है, ये नॉनसेंस। मैं हिल गई पूरी तरह से, मतलब एक यंग लड़की, आई मस्ट हैव बीन 18, 19, 20 एंड एट सच अ यंग एज आई लॉस्ट माई फादर। तो हमदर्दी दिखाने के बजाय, सहानुभूति दिखाने के बजाय बंदा अपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहा। उसके बाद मतलब समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे शिकायत करूं, मैं फराह खान से करूं शिकायत, कौन फराह खान, वो फराह खान जो शाहरुख खान के इतने करीब हैं, जो टॉप सुपरस्टार्स के साथ काम करते हैं, उनके पास जाकर मैं क्या शिकायत करूं। तो मुझे लगा मेरी ही गलती है, अगर मैं नहीं गई होती तो ये सब नहीं होता। तो कई साल तक मैंने खुद को कसूरवार ठहराया उस वारदात के लिए। फिर धीरे धीरे जब मीटू मूवमेंट शुरू हुआ तब एहसास हुआ कि अरे इस बंदे ने न सिर्फ मेरे साथ बल्कि और भी कई महिलाओं के साथ गलत किया, अत्याचार किया, उनका यौन शोषण किया, तो ये हैबिचुअल सेक्सुअल प्रेडेटर है, हैबिचुअल मोलेस्टर है। अब क्या देखने को मिल रहा कि इस मोलेस्टर को बिग बॉस के मेकर्स ने अपने घर में पना दी, उसको आमंत्रित किया गेस्ट के तौर पे। तो ये देखकर चिढ़ मची कि अरे जिस इंसान ने कई महिलाओं के साथ अत्याचार किया, यौन शोषण किया, उसको बिग बॉस के मेकर्स बुलाकर उसकी मेहमान नवाजी कर रहे, खातिरदारी कर रहे, हाँ बोल रहे आओ खेलो हमारा गेम, खेलो रियलिटी शो में भाग लो, रियलिटी शो है ना, उसकी रियलिटी बाहर आने दो ना, आप क्यों छुपा के रख रहे हो उसकी रियलिटी। उसको आपने मौका दिया बिग बॉस के घर में आकर खुद को पेश करने के लिए, हाँ कैसे खुद को पेश कर रहा वो, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, मतलब उसने कुछ किया ही नहीं लाइफ में, कुछ भी गलत नहीं किया, निर्दोष एकदम ऐसे पेश कर रहा खुद को। तो हमको भी बुलाओ, सारी पीड़ित महिलाओं को बुलाओ बिग बॉस के घर के अंदर, हम भी जाते, हम भी बात करते उससे, हम पूछते उससे क्या किया बे, क्या किया हमारे साथ बोल। तब हिम्मत नहीं थी बात करने की, हम लोग यंग थे, हमारे पापा गुजरे थे, तब हिम्मत नहीं थी, आज हिम्मत पैदा हुई। चल निकल अपना प्राइवेट पार्ट निकल, रेटिंग चाहिए ना, चल देते रेटिंग नेशनल टेलीविजन पर, हम देते रेटिंग। गलत कर रहे बिग बॉस के मेकर्स, सलमान खान सर गलत कर रहे। मेरी बात हुई अपने वकीलों से, सैफ जी हैं, सुहेल सर हैं, दोनों से मैंने बात की, उन लोगों ने बोला आप फिक्र मत करो, हम लोग लीगल नोटिस भेज रहे हैं, अभी बहुत जल्द लड़का आएगा आपके पास, आपके दस्तखत लेगा लीगल नोटिस पे, पहुंच जाएगा कोरियर के ज़रिए बिग बॉस के ऑफिस पर पहुंच जाएगा, आप टेंशन मत लो।
मैंने बोला सर प्लीज कुछ करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, एक मोलेस्टर उस घर में बैठा है और सलमान सर उसको उसको पनाह दे रहे, वो उसके भाईजान है, हमारे भाईजान नहीं बन सकते क्या? बन के दिखाओ हमारे भाईजान, हम भी आपको प्यार देंगे, दुआएं देंगे। सलीम जब आपने ये चीज देखा तो किसी से कुछ राय मशवरा लिया था जब आप लीगल नोटिस और एक्शन लेने वाले होंगे या फिर खुलासा करने वाले, उसके पहले क्या आपने किसी से बात किया था? मैंने सब कुछ शेयर किया अपने वकील के साथ, मैंने बोला क्या क्या हुआ कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, हम ये केस लड़ेंगे आपके लिए, प्रो बोनो लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप नहीं बल्कि और भी कई महिलाएं इन्वॉल्व हैं, हम आप सब के लिए लड़ेंगे, ऐसा बोल के उन्होंने पेपर वर्क शुरू किया। अभी इस वक्त बहुत कम लोग हैं जो लोग मतलब स्टैंड उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं लोगों के अगेंस्ट, लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जो चुप हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपने अभी जो आवाज़ उठाई है ये आपके ऊपर एक बैकफायर हो गया? तो नहीं नहीं मुझे कोई डर नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री वाले काम देंगे नहीं देंगे, मुझसे डर जाएंगे क्या, बुलाएंगे क्या इवेंट्स के लिए, अपीयरेंसेस के लिए, ऐसा कोई भी डर नहीं है। मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ और मेरी रोज़ी रोटी चल रही है, तो काम का कोई टेंशन नहीं है मुझे। आप लोग नहीं बुलाना चाह रहे मत बुलाओ, मैं थूकती हूँ ऐसे काम पर जिसके लिए महिला को किसी के प्राइवेट पार्ट की रेटिंग देनी पड़े, ऐसे काम को मैं अस्वीकार करती हूँ, मैं ठुकराती हूँ ऐसे काम को, मैं थूकती हूँ ऐसे काम पर, नहीं चाहिए मुझे बॉलीवुड के ये डबल स्टैंडर्ड्स, नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या क्या चलता सबको पता है, ड्रग्स लेते, नेपोटिज्म चलता, फेवरेटिज्म चलता, सेक्सिज्म चलता, खुले में क्या बोलते उसको डिप्रेशन के नारे लगाते, अरे मैं डिप्रेस्ड हूँ बोल के बोलते रहते, और बंद कमरे में क्या करते सबको पता है, दम मारो दम चलता, नशा करते, गांजा लेते, चरस लेते, खुले में ये फैमिली वैल्यूज़ की बात करते, बंद कमरे में क्या करते प्राइवेट पार्ट दिखाकर बोलते ज़रा टच करके बताओ ना कैसा है, 10 में से कितने नंबर दोगे, ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स चाहिए ही नहीं मुझे। सबको तो मैं नहीं जानती, हाँ एक बंदा है जो मोलेस्टर है, आरोपी है, उससे ज़रूर बात करना चाहूँगी, मैं पूछना चाहूँगी कि सुन तुझको रेटिंग चाहिए था ना, चल निकाल अपना प्राइवेट पार्ट निकाल, यहाँ पर 100 कैमराज है ना बिग बॉस के घर में, 100 कैमराज के सामने मैं रेटिंग देने को तैयार हूँ, चल शुरू हो जा, ऐसे बोल के बात करना चाह रही मैं उसके साथ, दिखाना चाह रही कि अब मैं डरती नहीं उससे, ना उससे डरती हूँ, ना जो लोग उसका समर्थन करते, उसकी माइंडसेट का जो समर्थन करते ना जो लोग, उनसे भी नहीं डरती मैं, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, बोलते ना सच परेशान हो सकता पराजित नहीं, कर लो परेशान कर लो, देखते हैं अंत में जीत किसकी होती है। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ वो तमाम महिलाएँ हैं जिनका यौन शोषण किया, किसने, साजिद खान ने, अकेली नहीं हूँ मैं। मेकर से या फिर अगर सलमान खान से कुछ रिक्वेस्ट करनी हो, बात करनी हो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? अरे मैं शुरू से बोल रही सलमान सर को कि सलमान सर अनुरोध है आपसे, बुलाओ हमको भी बुलाओ, आपने उस मोलेस्टर को मौका दिया ना घर में बुलाकर, आप क्या करवा रहे उससे, आप गेम खिला रहे, हाँ उसकी खातिरदारी कर रहे, खिला रहे पिला रहे, क्या है ये ड्रामा क्या है, हमको भी बुलाओ, हमको भी मौका दो, हम भी आएंगे बिग बॉस के घर में, हाँ उसकी गलतियों पर पर्दा डाला जा रहा है, क्यों 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 क्यों, हमसे कोई हमदर्दी नहीं है, हमारी पीड़ा से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है, अरे क्या हुआ शर्लिन, चल आ मेरे पास बहन, बोल क्या हुआ, क्या है तेरी समस्या, बोल मैं बोलूँगी, भाईजान आप भाईजान हो ना, सब लोग आपको भाईजान बोलते ना, आप सबके भाई बने फिरते हो ना, बनो मेरे भाई भी बनो, मेरे मोलेस्टर को अपने घर से बेदखल करो, ये एक बहन की आरजू है, गुजारिश है मेरी एक भाईजान से। मैम आप सलमान सर के खिलाफ आप बोल रहे, लेकिन सलमान सर ने तो है वो तो होस्ट है
और कंटेस्टेंट जो तो एंडमॉल बुलाता कलर्स चैनल बुलाता, तो योर टारगेट आपको नहीं होता आप इतना सलमान सर को आप बोल रहे हैं? आपको लगता कि जो मेकर्स हैं वो सलमान सर के खिलाफ जाकर ये साजिद खान को बुलाए घर पे? सलमान सर ने बोला होगा कि नहीं मत बुलाओ उसे, मेकर्स ने बोला चुप तुझको हम फीस दे रहे ना होस्टिंग के लिए, चल फीस ले, मुंह बंद रख कर, मुंह बंद करके होस्टिंग कर, ऐसा बोल रहे हैं मेकर्स। अरे वो शो चलता सलमान सर की वजह से, सलमान सर की चलती वहां पर, सबको पता ही है। अगर वो चाहते तो बोलते कि नहीं ये आरोपी ये मोलेस्टर नहीं आ सकता मेरे घर में, अगर आप लोग चाहते कि मैं इस शो को होस्ट करूं इसको मत लेकर आओ वरना मैं ये शो छोड़ दूंगा, वो ऐसा बोल सकते थे लेकिन नहीं कहा। मैम आपने कहा कि आपके लॉयर से आपकी बातचीत हुई, तो क्या आप FIR दर्ज करने वाली है इन्वेस्टिगेशन के लिए आप लोग करने वाले है? क्योंकि चार सालों से कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं, हमने जब लोगों से हमने इसके बारे में पूछा कि MeToo कैंपेन चला और कई, तो उन्होंने कहा कि वो महिलाओं को FIR करनी चाहिए, तो जो इन्वेस्टिगेशन हो और तो कोर्ट में जा सके गिल्टी तभी फायदा होगा, तभी तो अभी वो कह रहे कि वो तो गिल्टी है ही नहीं, तो रोक कैसे सकते? भाई मेरे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रातों रात साजिद खान को जेल के सलाखों के पीछे डाल दो, हाँ ऐसा नहीं बोल रहे हम, हम बोल रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तब तक क्योंकि वो आरोपी है इसलिए किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में उसको नहीं बुलाना, ना कंटेस्टेंट के तौर पे बुलाना ना गेस्ट के तौर पे बुलाना, उसको बुलाना ही नहीं क्योंकि वो आरोपी है, किसी एक महिला ने नहीं अनेक महिलाओं ने उसके खिलाफ यौन शोषण के इल्ज़ाम लगाए, आरोपी है वो, और आप लोग एक आरोपी को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बुलाकर किस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, यौन शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं, गलत है ये, युवा पीढ़ी पर इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है, लोग क्या समझ रहे हैं? इट्स ओके टू मोलेस्ट अ वुमन, नो इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके, यू कैन नॉट मोलेस्ट अ वुमन, यू कैन नॉट टच अ वुमन विदाउट हर कंसेंट, यू कैन नॉट फ्लैश योर प्राइवेट पार्ट एट अ वुमन ड्यूरिंग अ प्रोफेशनल मीटिंग, यू कैन नॉट डू दैट। मैम हाल ही में दिल्ली कमीशन विमेन ने लिखा है लेटर INV मिनिस्ट्री को, तो आपको क्या लगता है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है जो, और वहाँ के मिनिस्टर को आप क्या अपील करना चाहेंगे, विमेन मिनिस्ट्री है स्मृति ईरानी को आप क्या कहना चाहेंगे, आप इस पर आपको लगता है कि उन लोगों को कुछ है विमेन आपकी जी के बहुत कमजोर है लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे, मतलब कुछ अपील करना चाहेंगे मोदी जी से, कुछ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन प्राइम मिनिस्टर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन करते हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैंने कल भी कुछ मीडिया के दोस्तों से ये गुजारिश की कि वो मेरी बात स्मृति ईरानी जी से, अनुराग ठाकुर सर से और स्वाति जी से शेयर करें, साझा करें। मैंने सबसे पहले धन्यवाद दिया था स्वाति जी को, जो उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर अनुराग सर से ये दरख्वास्त की कि बहुत जल्द वो एक कार्रवाई करें साजिद खान के ख़िलाफ़, उनको बिग बॉस के घर से बेदखल करने के लिए। तो इस चिट्ठी के लिए मैं स्वाति जी दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, और स्मृति जी अनुराग सर आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ ये जो ड्रामा चल रहा है इसको आप जल्द से जल्द ख़त्म कर दो, वो जो मोलेस्टर बैठा है बिग बॉस के घर में उसे आप बेदखल कराओ, आप बिग बॉस के मेकर से बोलो कि ऐसा नहीं कर सकते वो लोग, हम नारियाँ हम पीड़ित महिलाएं हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम जुलूस निकालेंगे, हम रोड पर उतर आएंगे, हम जाएंगे बिग बॉस के घर में, घर के बाहर हम मोर्चा लगाएंगे, जुलूस निकालेंगे, हमारी पीड़ा को हमारे अनुभव को वो खारिज नहीं कर सकते, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये अनुरोध है हमारा।